उजारी में मंगलवार शाम हुआ हादसा। लाइनमैन पर युवक को पोल पर चढ़वाने का आरोप। पोल पर चढ़े युवक की करंट से मौत। परिजनों ने लगाया जामू जारी। बिजली कर्मियों की लापरवाही से कस्बा निवासी 22 वर्षीय युवक की जान चली गई। आरोप है लाइन में आए फॉल्ट को दुरुस्त करने पहुंचे लाइनमैन ने युवक को पोल पर चढ़ा दिया। इसी बीच शटडाउन लिए जाने के बावजूद भी लाइन की बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई। करंट की चपेट में आकर युवक की मौके पर मौत हो गई और एक अन्य युवक भी झुलस गया। आरोपी लाइनमैन मौके से फरार हो गया। गुस्साए युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने हसनपुर संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। आरोपी लाइनमैन को बुलाने की जिद पर अड़े हैं। अफसर समझा रहे हैं हसनपुर संभल मार्ग पर जमा भीड़ और मौके पर भारी संख्या पुलिस बल भी पहुंचा। जानकारी के अनुसार कस्बे के मोहल्ला चमनपुरा निवासी 22 वर्षीय पप्पू पुत्र रतन अपने खेत के पास बिजली विभाग में तैनात लाइनमैन से बिजली का तार जुड़वा रहा था। इसी बीच लाइनमैन ने बिजली घर से शटडाउन लिए जाने की बात कहते हुए पप्पू को भी पोल पर चढ़वा दिया। इसी बीच करंट दौड़ गया। चपेट में आए पप्पू की मौत हो गई जबकि उसकी मदद करा रहा बटाईदार इसरार पुत्र नन्हुआ गंभीर रूप से झुलस गया। वह भर्ती है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने पप्पू के शव को हसनपुर संभल मार्ग पर ढ्वारसी तिराहे पर रखते हुए जाम लगा दिया। SDM और CO ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया व भाजपा अध्यक्ष राजपाल सैनी और मुदित गुर्जर ब्लॉक प्रमुख हसनपुर भी आए। उन्होंने भी परिजनों को समझने का प्रयास किया। नगर के ही प्रमुख समाज सेवी अतहर एहसान ने भी समझने का प्रयास किया। दीप कुमार पंत CO हसनपुर ने कहा, परिजनों की ओर से मिलने वाली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की ओर से बिजली कर्मियों पर लगाए गए आरोपों की जांच कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। SDM हसनपुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करेगी। रात 1:30 बजे जाम खोला गया। पप्पू के कंधों पर थी पूरे परिवार की जिम्मेदारी। पप्पू अपने परिवार में सबसे बड़ा था, ऐसे में परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। 3 भाई और 2 बहनों के परिवार में सभी अविवाहित हैं। आपका ये पूरा मामला क्या है? जी, मेरा नाम आकाश है। मैं जो लड़का मृतक है, पप्पू नाम है उसका, बाप का नाम मदन रतन सिंह है। मैं इसका फुफेरा भाई हूँ। जो मौके पर लड़के थे वहाँ बताया जा रहा है, इसका समरसेबल खुद का था खेत पर, वो ख़राब हो गया था। इसने बिजली लाइनमैन के राकेश को फ़ोन करा, बोले भैया हमारा ढोल पर दिक्कत है, तुम आ जाओ। वो लाइनमैन वहाँ आया, उसने लाइनमैन ने ये सिट डाउन लेकर यही चढ़ा दिया। एक लड़का और था वो चढ़ा दिया, जो क्या फिर उसने फ़ोन पर बात करते करते लाइन लगवा दी। इनका ध्यान करा नहीं, बिजली ने इन्हों को पकड़ लिया। वारदात होने के बाद एक लड़का गंभीर घायल हो गया, इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बिजली लाइनमैन राकेश वहाँ से मौके जुड़ा फरार हो गया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है साहब, वो तो जो हो गया हो गया, हमें उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करानी है, उनके खिलाफ़ कानून कार्रवाई करी जाए। अच्छा, इसकी लड़की की शादी हुई थी? नहीं, पप्पू की अभी कुआरा था साहब। ये कोई से कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे? ये यहीं से इंटर करा था इसने लड़के। कितने भाई बहन है? पांच भाई बहन है। 3 भाई 2 बहन।